अंबेडकर नगर जिले में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव और बहुजन शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी एल मातंग ने मिलकर एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा सहित बसपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि सपा बसपा के आगे हमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि बगैर हमें मिलाए भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर कहा कि इनका कोई भरोसा नहीं, कब कहां चली जाए, आखिर पैसा लेकर टिकट कौन देता है सभी जानते हैं। ये दोनों पार्टियां और इनके साथ में बहुत से जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, ये हमारे साथ रही है और इसलिए हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के इसलिए निकले हैं कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हटाना है। आज पूरा हिंदुस्तान विषम परिस्थितियों में है। आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं। आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश पर कब्जा होता चला जा रहा है और हमारे देश पर कब्जा होता चला जा रहा है। और आपने सुना था, जब पार्लियामेंट के चुनाव थे तब आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के जो आज इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सीना ठोंक करके कहा था देश के सामने, देश की जनता के सामने सीना ठोंक करके कहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनेगी, हम इस देश की सीमाओं पर जितना चाहे चीन का कब्जा होगा, चाहे पाकिस्तान का कब्जा होगा, उसे हम वापस ले लेंगे। हम इस देश को कर्जे से मुक्त कराएंगे। आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी।